हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। आज मैं इंडियन स्पीक में एक नई सीरीज चालू करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको उन सभी महान क्रांतिकारी और नेताओं के बारे में, उनकी जीवनी और उनने अपने जीवन काल में कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिससे कि अपने भारत में आजादी मिली और उसके लिए जो भी एक्टिविटीज की उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो आज मैं आपको पहला वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि मैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानकारी दूंगा और इनको इनका जो जीवनी है, इनकी जो जानकारी है वो एक ही भाग में कम्प्लीट नहीं हो पाएगी, काफी बड़ा बन जाएगा, इसलिए इसके और भी भाग आएंगे। तो इस पहले भाग में मैं थोड़ी जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक रहिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें मैं वो सभी जानकारी आपको कोशिश करूंगा देने की जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के साथ में, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। चलिए शुरू करते हैं सुभाष चंद्र बोस और उनकी जीवन की वो सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने जो भी कार्य किए एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। उनकी जीवन काल में जो उन्होंने आईएनए की स्थापना की, लेकिन उसके बाद जो भी एक्टिविटीज किए हैं उनको हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म से। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में स्लाइड में बता दिया, नेताजी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था कहां, कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था, और वो हुआ था कहां पर, कटक उड़ीसा में, जो कि वर्तमान में कहां पर है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में इनका जन्म हुआ, ठीक है, 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी जन्म के बारे में बात की जाए तो उसके बाद में ये युवा होते थे, ये इनकी पढ़ाई में ज्यादा रुचि थी और ये अपने परिवार, एक उच्च वर्ग के परिवार में इनका जन्म हुआ था। देन उसके बाद में 1920 में इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम साथ में सम्मिलित करेंगे, 1920 में ये जब 24 वर्ष की उम्र में इनका इंडियन सिविल सर्विस ICS, जिसको कि इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानते थे उस समय, उसमें इनका सिलेक्शन हो गया, उसके लिए चुने गए। लेकिन उसी बीच में अंतराल में ये भारत की आजादी के जो कार्य उस समय हो रहे थे महात्मा गांधी जी के द्वारा, उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए। देन उसके बाद में ये सन 1921 में जो असहयोग आंदोलन जब शुरू हो गया था, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, तो उसमें भाग लेने के कारण, क्योंकि इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था, इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट होने के कारण उन्होंने किया, जो ICS में इनका सिलेक्शन हुआ था इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए चुने गए थे, उससे उन्होंने क्या दे दिया था, रेजिग्नेशन, यानी कि त्याग पत्र इन्होंने दे दिया था। तो असहयोग आंदोलन के समय में ही उन्होंने ये त्याग पत्र दिया था, ठीक है ना, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के समय में उन्होंने क्या दिया था, त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। तो ये इनकी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैं आपको बताया, 23 जनवरी को कटक में इनका जन्म हुआ था और ये काफी ज्यादा, ठीक है, सभ्य और पढ़े लिखे परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता भी अगर देखा जाए तो एज ए प्रोफेशनल वो बैरिस्टर थे, वकील थे। फिर 1920 से 24 के बीच में ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, इन्होंने ICC तैयारी की और इंडियन सिविल सर्विस में इनका सिलेक्शन हुआ और अंग्रेजी जो हुकूमत है उनकी सर्विस में उनका जॉब लगा, उनकी सेवा में वो आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने लंदन जाके इस एग्जाम को पास किया था इंग्लैंड में जाकर। देन उसके बाद में 1921 में असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट लेने के कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था अपने इंडियन सिविल सर्विसेज से। तो ये याद रखिएगा, और ये कब हुआ था, असहयोग आंदोलन 1921 के बीच में गांधी जी के द्वारा जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था उस समय,
ठीक है। देन उसके बाद में इनकी एक्टिविटीज धीमे धीमे करके अपने जो भी फ्रीडम के लिए स्वतंत्रता के लिए एक्टिविटीज वो बढ़ती चली गई। फिर आगे जाके ये कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस से जुड़ने के बाद में इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है वो है 1938। सबसे पहले ये 1938 में ठीक है ना इनको सबसे पहली बार ठीक है ना स्वराज दल की काउंसिल में प्रवेश लेने के लिए समर्थन किया गया। किसमें? स्वराज जो स्वराज दल की काउंसिल है ठीक है ना क्योंकि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी स्वराज पार्टी की। अगर इससे पहले हम एक फैक्ट और जान लें देन उसके बाद 1938 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्वराज दल स्वराज स्वराज दल ठीक है ना दल का जो काउंसिल है काउंसिल में ठीक है ना प्रवेश के कारण उसमें प्रवेश करने के कार्य के लिए उन्होंने क्या किया था समर्थन किया था पब्लिक का कि आप इसमें जुड़े। देन उसके बाद में उन्होंने अगला जो कह सकते हैं एक्टिविटी थी वो थी कांग्रेस में शामिल होने की क्योंकि कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस में सबसे पहले ये 1938 में अध्यक्ष बने थे और उस समय इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था ये कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा जो कि गुजरात में है गुजरात हरिपुरा कांग्रेस के ये क्या बने थे अध्यक्ष बने थे ठीक है ना अध्यक्ष नियुक्त किए गए अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद में यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने काम किया था वो काम किया था प्लानिंग योजना आयोग गठित किया था यानी कि योजना आयोग के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी जिससे कि यहाँ पर कांग्रेस में जितने भी कांग्रेस के सदस्य थे उस समय जो अधिवेशन में पार्टिसिपेट करने गए थे उन्होंने भाग लिया था वो इस योजना आयोग के बारे में काफी ज्यादा प्रभावित हुए और इनकी तरफ में कांग्रेस के सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित हुआ और काफी जन समूह जो कांग्रेस के सदस्य थे इनके फेवर में आ गए और काफी जन समूह इनका साथ देने लग गया। फिर उसके तुरंत बाद 1939 में जब अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था त्रिपुरी जो कि कहाँ पर जबलपुर में रखा गया था ये तो जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में जब रखा गया उसमें दो लोगों का ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था पट्टाभी सीता रमैया और बॉस इन दोनों ने यहां पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। पट्टाभी सीता रमैया जो कि गांधी जी के क्या थे ये चहेते थे यानी कि गांधी जी का इनको पूरा का पूरा क्या था गांधी जी का पूरा यहाँ पर समर्थन था इनको यानी कि गांधी जी ने अपने समर्थन में पट्टाभी सीता रमैया जी को उतारा था लेकिन बोस अलग से यहाँ पर कांग्रेस के उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए और यहाँ पर सीधे सीधे पट्टाभी सीता रमैया जो कि हार हो गई थी इनकी ये हार गए थे जो कि लगभग 203 वोटों से इस इलेक्शन में जो कि त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष का जो इलेक्शन हुआ था उसमें इनकी हार हुई थी। और यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस जी के जो विचार थे वो पूरे के पूरे विचार जो थे एक क्रांतिकारी सैनिक के रूप में इनके विचार थे और वो हिंसा पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को अगर भगाया जा सकता है वो मानते थे कि अंग्रेजों को अगर यहाँ से भगाया जाता है जिस तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ पर दमन करके भारत पर शासन किया और भारत को पूरा गुलाम बनाया तो उसी तरीके से उन्हीं तरीके से को अपनाकर हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है कोई भी उपाय उनको सामने नहीं दिखता था। और इसी कारण से गांधी जी के साथ में उनके मतभेद हो गए थे क्योंकि गांधी जी अहिंसा को मानते थे और अहिंसा के साथ में ही वो भारत में आजादी चाहते थे। तो इस कारण से इस मतभेद के कारण जो एक नीतिगत मतभेद होने के कारण जीत होने के बावजूद भी
जीत होने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के पद से, अगला पॉइंट जो है, कांग्रेस के पद से ही 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में जैसे अध्यक्ष बने थे, इन्होंने क्या दिया था, त्याग पत्र दे दिया था गांधी जी के सामने ही, त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र देने के बाद में इन्होंने उसी साल अपनी एक नई पार्टी जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी पार्टी का गठन किया। क्या किया? गठन किया। और इस पार्टी से वो अपने सारे कार्य करने लगे। 1939 में जब डॉक्टर अपने सुभाष चंद्र बोस जी जब अध्यक्ष के पद से यहाँ से इस्तीफा दिया, देन उसके तुरंत बाद में जो अध्यक्ष का पद था वो खाली हो गया था जो त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का, तो उसके तुरंत बाद ही वहां पर रिप्लेस होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, किसको, त्याग पत्र दिया। देन उसके बाद में 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये अध्यक्ष बने। उसके बाद में 1939 में ही उन्होंने उसी समय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की भी स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये मैं सारे बताते जा रहा हूं आपको, इसको कि आपने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में समझना है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 1939 में इन्होंने की। देन उसके बाद में जो अगला कार्य इनका रहा वो रहा उसके बाद में, क्योंकि 1939 का जो दौर था वो था अपना द्वितीय विश्व युद्ध का। तो द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो चुका था जो कि जर्मनी, एक तरफ में जर्मनी और उनके साथ के देश थे, और दूसरी तरफ में अन्य देश जिसमें कि चाइना, इंग्लैंड, ये सब है। तो ये युद्ध था ये प्रारंभ हो चुका था, ये युद्ध की शुरुआत हो चुकी। अतः इस युद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार कहीं ना कहीं पर उस युद्ध में शामिल भारतीय सैनिकों को भी शामिल उन्होंने किया था, ठीक है। तो ये द्वितीय महायुद्ध जो हुआ था इन दोनों में, तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उस समय, क्योंकि ये क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे और कहीं ना कहीं पे अंग्रेजों का दमन करके, उस उन पर दबाव डालकर दमन करके अपनी सेना बनाकर ये अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। तो इस समय किया गया, इन्होंने कलकत्ता में जो इनका एक खुद का निवास स्थान था, तो वहां पर क्या किया था, इनको नजर बंद कर दिया इन्होंने कहां पर, कलकत्ता में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी सेना के साथ में अंग्रेजों के साथ में दो हाथ करना चाहते थे। तो कलकत्ता में स्थित एल्गिन रोड पर, कहां पर, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, एल्गिन रोड पर इनका निवास स्थान था, वहां पर इनको नजरबंद कर दिया। लेकिन ये नजरबंद अंग्रेज इनको ज्यादा दिन तक नहीं कर पाए, क्योंकि ये एक अवसर तलाश रहे थे और ये उस अवसर की इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी करके मैं इनसे नजरें चुरा कर यहाँ से भाग पाऊं, यहाँ से निकल पाऊं, क्योंकि ये अपनी आजादी का जो भी इनकी भावना थी और आजादी के लिए ये अपना कोई भी कदम चूक नहीं करना चाहते, तो ये अवसर की तलाश में थे और वो अवसर इनको मिल गया, ठीक है ना। वो अवसर इनको मिला था कब, नोट कर लीजिएगा, वो था 17 जनवरी 1941 को इनको ये अवसर मिला और ये यहां से भाग निकले, ठीक है ना, भाग निकले, ठीक है ना, इतना ही मैं लिखूंगा, यहां से भाग निकले। और ये भाग ही कैसे थे, ये एक पठान बनके, यानी कि एक मुस्लिम पठान बनकर ये यहां से निकले थे, ठीक है ना। तो इसको मैं यहां पर अलग कलर से आपको यहां पर हाईलाइट कर देता हूं। तो ये मुस्लिम पठान बनकर यहां से निकले थे, कैसे, मुस्लिम पठान बनकर निकले थे। और इन्होंने अपना नाम क्या रखा था, जिया उद्दीन के नाम से ये भेष बनकर ये भारत से निकला है, ठीक है ना। तो ये भारत से बाहर आ गए थे, यानी कि इन्होंने भारत क्या किया था, भारत छोड़ दिया था इन्होंने, ये मुस्लिम पठान, सॉरी पठार लिखा हुआ है मैंने, ये अपडेट कर देता हूं इसको, मुस्लिम पठान बनकर ये, और अपना नाम इन्होंने जियाउद्दीन रखा था। और 21 जनवरी को यहां से इनको अवसर प्राप्त हुआ और ये भाग निकले। और जैसे ही भागने के बाद में सीधे ये यहां से भारत से निकल के काबुल पहुंच गए थे, काबुल जो कि अफगानिस्तान में था, ठीक है। अगला पेज मैं लेता हूं यहां पर, यहां से कहां पहुंचे, ये पहुंचे थे काबुल। भारत क्या किया था, इन्होंने छोड़ा था और वहां से ये
काबुल पहुंच गए, ठीक है ना। और वहां पे उनके अन्य साथी थे जिसका नाम था भगत राम। क्या नाम था? भगत राम, ठीक है। भगत राम के पास में ये पहुंचे थे, ठीक है ना। उसके बाद में इन्होंने अपनी खुद की सेना बनाने के लिए प्रयास चालू कर दिए थे। क्या कर दिए थे? उसके बाद में इन्होंने अपनी खुद की सेना बनाने के प्रयास चालू कर दिए थे। अपनी खुद की सेना बनाना चाहते थे, तो सेना बनाने के लिए क्या प्रयास किए थे इन्होंने? सेना बनाने के लिए इन्होंने हिटलर से सहायता मांगी। हिटलर से सहायता मांगी, जो कि जर्मनी का क्या था? ये शासक था उस समय, क्या जर्मनी का ये शासक था। और ये अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में था, अंग्रेजों के अंगेंस युद्ध लड़ रहा था वर्ल्ड वॉर। क्योंकि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जो की थी वो हिटलर ने ही की थी, और वो पूरे देश पर शासन करने के उद्देश्य से ये वर्ल्ड वॉर दो की शुरुआत जो कि 1939 में अगस्त में कर दी गई थी। तो उसी समय की बात है जिस समय की भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त को। ये 8 अगस्त 1939, ध्यान रखिएगा कब हुआ था ये, 8 अगस्त 1939 को ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, अपने वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत यहां से हो गई थी। तो जर्मनी के जो शासक था, जो एक हिटलर, उससे इसने सहायता मांगी। और जर्मनी का जो हिटलर था, सहायता से का वचन उनको मिला, क्योंकि अंग्रेजों की जो एक सेना थी, जो भारतीय सेना थी, वो हिटलर के खिलाफ जब लड़ने गई थी तो हिटलर ने उसको उनको क्या किया कर लिया था, बंदी बना लिया था। तो लगभग बहुत सैनिक थे, भारतीय सैनिक, जिनको कि वहां बंदी बनाकर कैद करके रखा था। तो वहां पर जाकर इन्होंने हिटलर से उन सभी सैनिकों को रिहा करने को कहा, और ये कहा कि हम इन सभी सैनिकों का अंग्रेजों के खिलाफ अपने भारत को आजाद करने के लिए इनका उपयोग करना चाहते हैं, और उसके लिए हम मुक्ति सेना, ठीक है ना, भारत को आजादी के लिए मुक्ति सेना का गठन करना है हमें। तो इन्होंने क्या किया था? मुक्ति सेना का गठन किया था वहां पर। किसका किया था? मुक्ति सेना का इन्होंने गठन किया, ठीक है। जब मुक्ति सेना का गठन किया तो वहीं पर इनको जर्मनी में ही इनको नेताजी की उपाधि मिली थी। नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेताजी की उपाधि इनको वहीं पर जर्मनी में ही मिली थी। कब? जनवरी 1941 में। तो ये छोटे से पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने जो पॉइंट्स पहले बताए एक बार और अपन रिविजन कर लेते हैं, ठीक है, एक एक करके, जिससे कि आपकी पूरी डाउट सारे क्लियर होंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 23 जनवरी 1897 में हिटलर का जन्म हुआ, और वो कटक, हिटलर बोल रहा हूँ मैं, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ। ये कटक में जन्मे थे, और बहुत ही संभ्रांत परिवार यानी कि शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी भी पेशे से जो थे, इनका जो प्रोफेशन था वो भी बैरिस्टर थे, और उसके बाद में ये भी ICS की तैयारी में लग गए थे, और इंग्लैंड में जाके इन्होंने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद में 1920 में जब ये 24 वर्ष के थे तब इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज पास की और अंग्रेजों के सर्विसेज में आ गए थे। लेकिन इन्फ्लुएंस जो था वो भारत की आज़ादी का था, और आज़ादी में ये कूदना चाहते थे। तो असहयोग आंदोलन जब चल रहा था 1920-21 में जो शुरुआत हुई थी, वो तो उसी समय में इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और इन्फ्लुएंस में आके त्याग पत्र इन्होंने अपने इंडियन सिविल सर्विसेज से दे दिया था, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। इंडियन सिविल सर्विसेज से इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, और त्याग पत्र देने के बाद में इन्होंने स्वराज काउंसिल का समर्थन किया, और समर्थन करने के बाद में फिर आगे जाके इन्होंने क्या किया था, अगला पॉइंट, 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन, क्योंकि स्वराज पार्टी की स्थापना जो की थी 1900, क्योंकि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद में एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ, जितने भी जो राजनीतिक उस समय के कांग्रेस के लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और गिरफ्तार करने के बाद में सबको जेल में डाल दिया गया था। तो उस समय CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो स्वराज पार्टी उस समय बिल्कुल नई पार्टी थी, तो उसके समर्थन में इन्होंने काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया, और लोगों को कहा कि आप स्वराज पार्टी का समर्थन करें। एट द एंड जब सारे के सारे लीडर, जो सारे लीडर जिनको की कैद अंग्रेजों ने किया था असहयोग आंदोलन में, वो रिलीज हुए, देन उसके बाद में कांग्रेस का फिर से काम चालू हुआ, और कांग्रेस ने फिर से अपना स्वतंत्रता के लिए काम चालू किया। तो स्वराज पार्टी जो कि 1923-24 के दौरान गठित की गई थी,
वो पूरी पार्टी कांग्रेस में मर्ज हो गई, जो कि मोतीलाल नेहरू जी ने शुरू की थी, और सी आर दास जी जो कि जेल के अंदर थे, जब वो बाहर आए तब दोनों ने मिलकर इसको चालू किया था और पूरे भारतभर में अपनी स्वराज पार्टी के बारे में मिलकर कार्य किया और इसके बारे में ज्यादा प्रचार प्रसार भी किया था। तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, तो उसका समर्थन किया था किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने समर्थन किया था और कहा था कि आप इससे जुड़े हैं। लेकिन आखिरी में जाके जब कांग्रेस के सारे लीडर्स बाहर हुए, जेल से रिहा हुए, देन उसके बाद में स्वराज पार्टी कांग्रेस में मर्ज हुई। अंततः सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में शामिल हुए। 1938 में कांग्रेस ने अधिवेशन किया, उस अधिवेशन के पहली बार जो अध्यक्ष बने, जो कि हरिपुरा में हुआ था गुजरात में, और यहाँ पर इन्होंने अपनी योजना आयोग के बारे में जानकारी दी, जिससे कि कांग्रेस के सभी सदस्य जो कि उस समय वहां पे उपस्थित थे काफी ज्यादा प्रभावित हुए इनकी इस प्लान से, और उनका जो जन समूह था उस समय का वो इनके साथ में काफी ज्यादा जुड़ गया था और काफी ज्यादा इनको मानने लगे थे। फिर अगला जब इलेक्शन हुआ 1940 का अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ, उसमें इन्होंने फिर से इलेक्शन लड़ना चाहा और साथ में अगेंस्ट में गांधी जी के समर्थक पट्टाभि सीतारमैया के साथ में ये इलेक्शन हुआ, उसमें पट्टाभि सीतारमैया को लगभग 203 वोटों से इन्होंने हरा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी के साथ में जो नीतिगत मतभेद थे, उस मतभेद से चलते हुए इन्होंने 1939 में क्या किया था, त्याग पत्र दे दिया और अपनी खुद की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर उसके बाद में जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, क्योंकि क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे, साम्यवादी और इनको बहुत ज्यादा मानते थे, अतः ये अंग्रेजों के साथ में उसी तरीके का व्यवहार करना चाहते थे जो कि अंग्रेजों ने यहाँ पर दमन नीति अपनाकर पूरे भारत पर राज किया, और अतः ये भी अपनी एक सेना का गठन करना चाहते थे और अंग्रेजों को इसके बारे में जानकारी मिल गई थी, कहीं ना कहीं से जानकारी लीक हुई, अतः इनको फिर नजरबंद कर लिया गया था 1941 में। 1941 में इनको नजरबंद किया, कलकत्ता में एल्गिन रोड पर इनका खुद का एक निवास स्थान था, वहां पर इनको नजरबंद किया। देन उसके बाद में इनको 17 जनवरी ध्यान रखिएगा 17 जनवरी 1941 को इनको वो समय मिल गया, निकलने की जगह मिल गई, ये भागना चाहते थे वहां से, क्योंकि ये अपना जो स्वतंत्रता का कार्यक्रम है उसको रोकना नहीं चाहते थे, उसमें जो कूदे थे तो हटना चाहते थे, उनको पूरा भागने का मौका मिला, अतः वो भारत छोड़कर भागे एक मुस्लिम पठान बनकर, जो कि उन्होंने नाम रखा था जियाउद्दीन, जियाउद्दीन के नाम से ये भाग निकले और भाग निकले। देन उसके बाद में ये भारत छोड़कर सीधे अफगानिस्तान पहुंचे और काबुल में उनके एक मित्र भगत राम से मिले, और वहां से फिर ये जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में हिटलर से मिलकर अपनी खुद की मुक्ति सेना गठन करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें कि वहां पर जो भारतीय कैदी थे, भारतीय जो सैनिक बंदी बना के रखे थे, उनके साथ में एक सेना का प्रस्ताव रखा और हिटलर उसको मान गया और मुक्ति सेना का गठन किया वहां पे नेताजी ने, और वहीं पर इनको नेताजी की उपाधि भी दी गई थी। देन उसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देन उसके बाद में इन्होंने क्या किया था, अगला पॉइंट सिंगापुर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिंगापुर। सिंगापुर में इन्होंने क्या किया था, सिंगापुर में इन्होंने आजाद हिंद सेना, आजाद हिंद सेना का गठन किया, आजाद हिंद सेना का गठन किया, और इसको गठन करने का उद्देश्य यही था कि भारत को स्वतंत्र कराना। उस आजाद हिंद सेना का जो गठन हुआ था, ये हुआ था 1923 में। कब हुआ था, 1923 में इन्होंने सिंगापुर आजाद हिंद सेना, जिसको INA कहा जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, और इनका सुभाष चंद्र जी का जो साथ दिया था वो दिया था रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस इनके साथी थे, और रास बिहारी बोस वो व्यक्ति थे जिन्होंने कि 1912 में, ध्यान रखिएगा 1912 में, जब हॉर्डिंग का शासन था, तब हॉर्डिंग के ऊपर में बम फेंका था और उसको घायल कर दिया था, अतः घायल करने के बाद में ये 1912 में वहीं से एस्केप हो गए थे, और एस्केप होने के बाद में ये सीधे के सीधे सिंगापुर चले गए थे, ठीक है ना, और वहां पर जाकर इन्होंने अपनी अदर एक्टिविटीज को चालू कर दिया था। इससे पहले INA की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है ना, जो कि कैप्टन मोहन के द्वारा इसकी स्थापना की थी, अलग कलर से मैं आपको यहाँ पर
लेकिन 1942 में कैप्टन मोहन के द्वारा आईएनए की स्थापना कर दी गई थी, लेकिन ये ज्यादा सक्रियता इसमें नहीं दिखाई गई थी। अतः उस ही आईएनए को इन्होंने दोबारा से रिवैम्प किया, यानी कि दोबारा से इसकी शुरुआत की, और आजाद हिंद सेना यानी कि आईएनए के नाम से ही इन्होंने 1923 में सिंगापुर में इसकी नींव रखी, और उसमें इन्होंने सैनिकों से नारा लगवाया था, सैनिकों को कहा था, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो था तुम मुझे खून दो, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा लगाया था, ठीक है। और इन्होंने सेना को संबोधित करते उस समय पॉइंट और भी कहा था, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। सेना को जब इन्होंने सैनिकों को संबोधित किया और सैनिकों को पूरी की पूरा उस समय जब रिप्रेजेंट कर रहे थे, तब इन्होंने एक नारा और दिया था, उस नारे को भी याद रखना, वो नारा था दिल्ली चलो का नारा भी दिया था, ठीक है, दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया। फिर अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी 1941 को, ठीक है ना, इन्होंने 3 माह की ट्रेनिंग के लिए पुनः दिल्ली भेजा गया, ठीक है, ट्रेनिंग मिली इनको 25 जनवरी 1941 में इनको तीन मंथ की क्या के लिए ट्रेनिंग के लिए इनको दिल्ली भेजा गया, ठीक है ना। परंतु ब्रिटिश शासन के विद्रोह के पश्चात, क्योंकि इन्होंने विद्रोह कर दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने ठीक है ना, इंडियन नेशनल आर्मी में 16 फरवरी 1941 को राज बिहारी बोस के नेतृत्व में ये शामिल हुए थे, ठीक है ना। उससे पहले ये इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए थे, ये याद रखना, आईएनए में शामिल हो गए थे ये 25 जनवरी को ये ट्रेनिंग के लिए गए थे। उसके बाद में 16 फरवरी 1941 में इन्होंने आईएनए ज्वाइन की थी। जब आईएनए ज्वाइन की तो आईएनए का उस समय गठन नहीं हुआ था, क्योंकि कैप्टन मोहन ने 1942 में ही इसकी शुरुआत अच्छे से नहीं की थी, 41 में इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के साथ करती थी, 16 फरवरी को रास बिहारी बोस के नेतृत्व में इन्होंने इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे आगे बढ़ेंगे, ये जनवरी की बात है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है 12 नवंबर, एक ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 नवंबर 1941 को ये आगे जब बढ़े तो वहां से कलकत्ता से, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों की इनके ऊपर काफी ज्यादा नजरें थी और इनको अरेस्ट करना चाहते थे, तो कलकत्ता के रास्ते, कलकत्ता में जो बंदरगाह है उस बंदरगाह के रास्ते से ये आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद में ये पिलांग, वहां पे एक पिलांग जगह है, ठीक है ना, कहां से, कलकत्ता के रास्ते पिलांग से आगे बढ़ते चले गए, और पिलांग से फिर ये मलाया पहुंचे, और मलाया पहुंचने के बाद में ये कहां कब पहुंचे थे, ये 8 दिसंबर 1941 को ये मलाया पहुंचे थे, ठीक है ना। और जैसे ही मलाया पहुंचे थे, उसके बाद में इनको 15 जनवरी, क्योंकि ब्रिटिश वहां पे पहले से ही थे, ब्रिटिश सेना वहां पे मौजूद थी, तो 15 फरवरी 1942 को इनको क्या कर लिया था, कैद कर लिया था, इन्होंने किया था, ब्रिटिश ने इनको वहीं पर कैद कर लिया था, मलाया पहुंचते थे, ठीक है ना। ये कहां पर, मलाया के रास्ते से कहां पहुंच गए थे, ये सिंगापुर पहुंचे, तो वहां पर इनको कैद कर लिया, कैद करने के बाद में फिर ये जापान
ठीक है। उसके बाद में ये जापान के साथ में हो गए थे, और जापान में जापान के साथ में होकर फिर उन्होंने आगे अपनी जो भी एक्टिविटी थी उनको आगे बढ़ाई। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करूंगा। इसके बाद में अगले पार्ट में मैं आपको वो सारी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से इन्होंने जो अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि जापान के सहयोग से फिर ये आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद में ये अंडमान निकोबार को इन्होंने स्वतंत्र कराया और वहां पर अपनी खुद की सरकार का गठन किस तरीके से किया। देन उसके बाद में उसका जो नाम है वो क्या रखा गया था उसके बाद में, क्योंकि उसका नाम भी रखा था अंडमान निकोबार का उन्होंने, और वहीं से भारत की विजय अभियान की शुरुआत की थी, जो कि आपको अगले वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो इसके बाद में आपको तुरंत मिलेगा, जो कि अगले दिन आपके सामने आएगा। तो लगातार इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश जीएस और अन्य जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप ट्यून करते रहिए, क्योंकि लगातार मैं ये सारे वीडियोस आपके साथ में लेके आ रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए, पॉइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगला वीडियो आपको बहुत ही जल्दी, जो कि भाग दो रहेगा सुभाष चंद्र बोस जी के आगे के जो एक्टिविटी रही उसके बारे में, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। और इससे पहले जो वीडियो मैं हिस्ट्री की बना के आ रहा हूँ उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो उसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।